हमारे यहाँ पे लाइट है नहीं, अब इसको अकेले दे सकेगी? मैं पकड़ू, भारी है भारी है। हाँ बेटा थोड़ा लग गई। हाँ तो सीढ़ी यहाँ पे रख दूंगी आराम से, और वॉशिंग मशीन जो छत पे है वो यहीं पे ले जाऊंगी। लेते हैं नाश्ता, नाश्ता करने के बाद फिर पकड़ूंगी ऊपर का कमरा जिस कमरे में मैं अभी फिलहाल गद्दा रखी हूँ। तो नाश्ते में है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग आप सबको। आप सभी कैसे? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। अभी है मॉर्निंग का टाइम, तो मैं इनमें नींद से उठे हैं तो सोचे क्यों ना एक बार मैं अभी मतलब बिस्तर जमाने से अच्छा है गद्दा हम लोग निकाल लेते हैं। गद्दा निकाल लेंगे तो ये होगा ना फिर बिस्तर जमाने के बाद फिर दोबारा गद्दा नहीं निकालना होगा, मतलब डबल डबल काम कौन करे। तो अभी सारा पोटली बांध के मैं नीचे रखूँगी एंड गद्दे को निकालना है मुझे, क्योंकि अब ऊपर में भी सोना पड़ेगा ना, क्योंकि ऊपर का जो पोर्शन है वो यूज़ ही नहीं हो रहा है। तो मैं सोच ली हूँ कि जैसे भी बिज़नेस स्टार्ट होने वाला है मेरा, तो कुछ कलेक्शंस है आई थिंक वो 2-3 दिन में मैं आ जाऊँगी लाइव तो दिखाना स्टार्ट करूँगी। तो ऊपर में और नीचे ये दो कमरा में रहना स्टार्ट करना पड़ेगा। ऊपर का बाथरूम है वो मैं साफ़ भी करने वाली हूँ एसी से, तो उसके लिए मुझे मार्केट में जाके एसी लाना पड़ेगा। मैं कहना कि बाथरूम साफ़ हो जाएगा ना तो अच्छे से मैं उसको यूज़ भी कर सकूँगी। देखिए ऊपर में जैसे बिज़नेस का कमरा ऊपर में है तो एक बेड अगर मैं ऊपर में रखूँगी, जैसे काफ़ी लोग होते हैं कि शताब्दी हम वीडियो कॉल कर रहे हैं हमको साड़ी देखना है, या फिर आप अभी तुरंत मुझे साड़ी की फ़ोटो खींच के भेजो, वीडियो खींच के भेजो, तो मुझे नीचे से फिर ऊपर दौड़ के जाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा ऊपर के कमरे में मैं मतलब अपना मतलब बोले बिस्तर जमा ही लेती हूँ। तो जब मेरे पास ये वाला मैट्रेस है तो ये मैट्रेस मैं ऊपर में बिछा देती हूँ और ये वाला गद्दा यहीं पर रहेगा। बेडशीट भी है मेरे पास काफ़ी सारे और तकिया भी काफ़ी सारा है, तो दिक्कत नहीं होगा, आराम से हो जाएगा। ये देखिए दोनों गद्दों के बीच में मैं नेपथोलिन देके रखी थी, देना चाहिए बोलते अच्छा होता है। अब ये नेपथोलिन को निकाल के मैं गद्दे के नीचे डाल दूंगी, फिर उसके ऊपर आराम से बेडशीट बिछा दूंगी। तो अभी ये वाला गद्दा ये भी बिछा रहेगा, ये दोनों गद्दा, ये मतलब हम लोग पता होगा ये लोकल मिलता है इस टाइप का है, ज़्यादा मोटा नहीं है, इस टाइप का गद्दा है, यहीं पर रहेगा ये। और ये वाला जो गद्दा है इसको ऊपर लेके जाएंगे, ये ऊपर रहेगा। तो इसको अभी नहीं लेके जाएंगे, जस्ट अभी हम लोग नींद से उठे हैं तो भी नाश्ता वास्ता बना लेती हूँ, नाश्ता वास्ता कर लेते हैं। रिशु उठाएगी, ठीक है, तो इसको उठा के भी हम लोग ऊपर लेके जाएंगे। फिर आलमीरा भी सेट करना है, कैसे आप लोग को बताती हूँ। हाँ 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 तुमको भी ले जाएंगे। जैसे आलमीरा का जो मुँह है, हम लोग बेड पर सो रहे हैं तो आईने में पूरा आ रहा है ना, तो आप ही लोगों ने कहा था ऐसा होना अच्छा नहीं होता। आप ही लोगों ने कहा था कि आईना, जैसे मैं यहाँ पे बेड में बैठी हूँ तो आईने में दिख रही हूँ, तो फिर आप लोगों ने कहा कि सोते हुए आईने में रिफ्लेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, अच्छा नहीं होता है करके। तो इसीलिए अब आलमारी को मैं वो करने वाली, घुमाने वाली हूँ। ये पता है ये पूर्व दिशा में था, जैसे मैं ये आलमारी ऐसे खोल रही हूँ ना तो ऐसे पश्चिम दिशा में खुल रहा है, बोलते कि अच्छा रहता है। तो अब मुझे इधर कौन सा दिशा है, उत्तर दक्षिण, अब इसे मैं दक्षिण दिशा में रखूंगी और इसका मुंह खोलूंगी तो उत्तर दिशा में आएगा। तो ये सही कि नहीं आप लोग मुझे एक बार बताना, क्योंकि दिशा दिशा का भी फर्क पड़ता है, वास्तु वास्तु का भी फर्क पड़ता है। हाँ मुझे ऐसा ये डाउट हो रहा है, पता नहीं मैं कितने बार घर जमाऊंगी फिर उसका डायरेक्शन चेंज करूंगी, फिर जमाऊंगी फिर डायरेक्शन चेंज होगा, पता नहीं कब तक ऐसा होता रहेगा, समझ में नहीं आ रहा है। फिलहाल आप लोग तो है मुझे गाइड करने के लिए, जैसे अभी आप लोग की गाइड से ही अभी मैं सारा चीज़ें चेंज कर रही हूँ ना घर में। पानी पिएगी तो जा रही है, शुद्ध पानी पिएगी, चलो कौन सा पानी पियोगे, शुद्ध पानी, उसको पहले बोले इसमें से शुद्ध पानी निकलेगा, तो शुद्ध पानी पीऊंगी मम्मी मैं भी थोड़ा पी लेती हूँ। लो पियो। रिशु के लिए एकदम सिंपल तरीके से चिलआउट इसको खिला के हम लोग चाय बिस्किट पी के फिर काम स्टार्ट करें। अभी मैं रिशु के लिए मखाना फ्राई करूँगी घी और नमक डाल के, मखाना खाना बहुत अच्छा आता है हेल्थ के लिए तो उसको मैं देती हूँ कभी कभी फ्राई करके। अब बनाने वाली हूँ चीला रोटी, तो कोशिश करती हूँ कि एकदम कम तेल से ही बनाऊँ क्योंकि ज़्यादा तेल बच्चों लोगों के लिए अच्छा नहीं रहता है। बस चावल आटा है, नमक है, अच्छे से घोल के चीला रोटी बना के उसको दे दूँगी, उसको बहुत पसंद है चीला रोटी पोहा वगैरह, तो अल्टरनेट डेज पर मैं थोड़ा उसका नाश्ता चेंज करती रहती हूँ।
फिलहाल तो अभी एप्पल खा रही हूँ, एप्पल खाना हो जाएगा कंप्लीट, फिर मैं उसे दूंगी चिला रोटी। तो इस तरीके से बस ढक देना है, जस्ट लाइक डोसा भी आप बता सकते हो। लाइट है नहीं, अब इसको अकेले नहीं सकेगी, मैं पकड़ू, भारी है भारी है। हाँ बेटा धड़ा लग गई, ऊपर मत आओ, ऊपर नहीं आओ, चल 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 चल, नहीं मत आओ, मासी मम्मी ऊपर जा रही है ना इसको रखने के लिए भी। मैं अगर आलमीरा खरीदती हूँ ऊपर मैं कैसे लेके जाऊंगी, वही सोच रही हूँ, बालकनी से उठाना पड़ेगा। अरे बाबा चलो, ना बेटा गंदी मम्मा, मम्मा अभी ऊपर जा रही है, उसको मैं बोली नीचे रुक, तो मम्मा गंदी मम्मा, इतना बात सीखी है फिर बोली आप इन्हें को परेशान करते हो। हाँ नीचे कुछ बिछाना पड़ेगा, चटाई वटाई है ना हमारे पास, बेटा झाड़ू लगा लेंगे बस, अगर से लाइट ठीक है बिछाते हैं। बिछ गया गंदा, पीछे से झाड़ू हटाना पड़ेगा, बिछ गया है। ये देखो इस कमरे में मैं रहने वाली हूँ, इतना सुंदर है ना इसका फॉल्स सीलिंग, कितना सुंदर है फॉल्स सीलिंग। बारिश हो रही है, ये भगवान का तो पूरा कपड़ा गीला भीग जा रहा है, अच्छी खासी बारिश हो रही है। तू है तू दिल धड़कता है, ये देने से पता है क्या फायदा हुआ, पानी इसमें गिरता है ना तो अंदर आने की कोशिश नहीं करता है, नहीं तो मतलब आ जाता था अंदर, इसलिए मैं दोनों बालकनी में ये दी हूँ। जो ग्रीन कलर का मैट है ना इसमें पानी रुक जाता है, इधर आ नहीं पाता, तो बंद कर दिया जाए। अब मुझे काफ़ी लोगों ने बोला कि सीढ़ी को आप इसके ऊपर रख दो, अब कुछ लोगों ने बोला सीढ़ी को ना बाथरूम में रख दो, तो मुझे बाथरूम में रखने का आइडिया अच्छा लगा, बाथरूम में रखने का आइडिया मुझे अच्छा लगा। ये मेरा बाथरूम है, ये बिजनेस वाला कमरा है उसका, ये बाथरूम है, ये बाथरूम यूज़ नहीं होता बिल्कुल भी नहीं, ये खाली ही है ऐसे ही रहता है, बाथरूम दिखाती हूँ मैं, यूज़ नहीं होता है। तो सीढ़ी यहाँ पे रख दूँगी आराम से, और वॉशिंग मशीन जो छत पे है वो यहीं पे लेके आऊँगी, हालांकि ये अभी तक यूज़ नहीं हुआ है, ऐसे ही बस मैं रख दी हूँ सारा सामान जी, बस नीचे का बाथरूम ही है जो यूज़ हो रहा है जब से हम लोग शिफ्ट हुए तब से, तो अब वो वाला घर का बाथरूम भी यूज़ हो जाएगा ऊपर का। और आप सबने बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ मुझे दिए हैं कि या तो आप ओनर को बोलो कि ठीक करके दे, या तो आप एसी से साफ करो, तो ओनर को बोलूँगी मैं, अगर वो नहीं कर देते तो मैं ही एसी से कर लूँगी पूरा, आप लोगों को तो दिखाई थी मैं। मैं जाती हूँ नीचे, बंद कर देती हूँ, नाश्ता वास्ता कर लेते हैं। आज से सावन का महीना शुरू हो रहा है, आज पहला सोमवार है सावन का, आप सबको बहुत शुभकामनाएं। हाँ बेटा आ रही हूँ आ रही हूँ। ये ड्रेसिंग टेबल ये हटाने की, तो अलमीरा का मुंह इधर कर दूंगी, मतलब दक्षिण में रहेगा उत्तर में मुंह खोलेगा, और ड्रेसिंग टेबल को यहाँ पे रख लूंगी, ये बैग हटा के मेरा रख लूंगी। तो बारी है नीचे बेडरूम का, जो उसका डायरेक्शन चेंज करना है, एक आपका ड्रेसिंग टेबल और आपका आलमीरा। आलमीरा हल्का है क्योंकि आलमीरा के अंदर कपड़े हैं नहीं, बहुत कम कपड़े हैं, जो कि मेरी बहन के कपड़े रखे हुए हैं, और मेरा और ऋषु का कपड़ा वो अभी तक मतलब क्या बताओ आप लोग, बैग में ही पड़ा हुआ है, वो जमा ही नहीं पा रही हूँ, टाइम ही नहीं मिल रहा है, जो भी हो रहा है वही से निकाल निकाल के यूज़ कर रही हूँ। और आलमीरा के पीछे ना पूरा आपका वो जम गया, और नया नया झाड़ू का जो फूल निकलता है ना काला काला, तो वही पूरा पीछे पता नहीं हवा हवा में गया होगा शायद, तो मैं सोची आलमीरा रखूँगी ना तो दोनों साइड हल्का सा गैप रखूँगी ताकि झाड़ू मारने में इजी हो, क्योंकि बड़े सामान जहाँ हैं उसके पीछे और नीचे डस्ट जमना तय है, तो ये ध्यान में रख के मुझे करना पड़ेगा। देखिए अभी जस्ट घर ली हूँ तो अभी तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ मैं सोची हूँ कम से कम 2-2.5 साल में ना जो काम होता है ना फर्नीचर को मैं कर लूँगी, जैसे आपको ऊपर का रैक आप लोगों को दिख रहा है जिसमें 2 बैग रखी, एक सिल्वर एक रेड कलर की, वो पूरा मैं ढक दूँगी। और ये ना आपका एल्युमिनियम के पट्टे का भी होता है का, मतलब फिर लकड़ी का भी होता है,
तो मुझे ना मेटल का अच्छा लगता है क्योंकि मेटल ना फूलेगी नहीं, मतलब किसी भी तरीके का आपको शिकायत नहीं देता है और वो कम खर्च में बन जाता है, इसलिए एल्युमिनियम मैं यूज़ करूँगी। अच्छा है ना सामान जो भी, जब से वैसे सामान रखा है तो दिख रहा है, तो अगर वो पूरा ढक जाएगा कवर हो जाएगा तो दिखेगा नहीं। तो इसमें मैं टोटल सोचूँ 3 ड्रॉयर बनाऊँगी क्योंकि काफ़ी लंबा है तो 3 ड्रॉयर आराम से बन जाएगा। अब आ रही था ये ड्रेसिंग टेबल को आगे रखने का, इसका मुंह आपका अभी सीधा पूर्व की दिशा में रहेगा। तो देखिए यहाँ पे अब ये मिरर है जो यहाँ पे फिट किया, जो ड्रेसिंग टेबल है वो, और ये बेड है, और ये आपका अलमीरा है। मुझे लग रहा है अलमीरा ना उधर थोड़ा और जाएगा। अब सही है, अब नहीं दिखेगा। अब यहाँ सो रहे हैं, नहीं तो यहाँ अलमीरा था तो पूरा रिफ्लेक्ट आता था, यहाँ अलमीरा तो नहीं आएगा। ये पश्चिम दिशा है, ठीक है, ये आपका पूर्व दिशा है, ये आपका दक्षिण है, और ये आपका उत्तर है। इस तरीके से पूरा फिट क्यों लेते हैं नाश्ता। नाश्ता करने के बाद फिर पकड़ूंगी ऊपर का कमरा, जिस कमरे में मैं अभी फिलहाल गद्दा रखी हूँ। तो नाश्ते में है मैंगो और अमरूद। आज सावन का महीना है, सब लोगों को पता होगा, तो ग्रीन पहनना चाहिए। तो सावन का महीना का आज पहला सोमवार है, तो इसलिए मेरे पास ग्रीन कलर का यही ड्रेस था, तो इसलिए मैं ये वाला पहनी हूँ। और अभी तक लंच नहीं किए हैं, 3:30 बज गया, फिर चलते हैं लंच करते हैं। और इसके बाद मैं जाऊँगी छत में रील्स वगैरह बनाने के लिए। जैसे आप लोगों को पता है कि मैं दोनों चैनल में अब एक्टिव रहने वाली हूँ, और हमारे यहाँ पे बिजली इतना दिक्कत करता है मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। सुबह से 7 बार लाइट जा चुकी है, 7 बार मायने रखता है। सब लोग घर के बाहर है, मैं इकलौती अकेली हूँ जो दिन भर घर के अंदर रहती हूँ, मतलब दिखती नहीं हूँ, ऐसा है। क्या आप लोग बताओ, जब शिफ्ट हुई हूँ तो घर के काम कहाँ पे रखूँ, इसको घर के काम भी ज़रूरी है। तो आज मैं खाने में बनाई हुई हूँ आपका वो रहता है ना चौलाई भाजी बड़ा वाला डंडी की सब्जी वो, और थानकुनी पाता बाटा। तो चलिए आपको निकालती हूँ खाना। मेरे पास ना रैक रखने का जगह बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, बर्तन रखने का रैक पूरा स्पेस मेरा पूरा खा जा रहा है, क्योंकि मैं आपको फिल्टर लगा ली हूँ। तो इसलिए ना यहाँ पे एक दादी है जो बहुत बुज़ुर्ग है और उनकी हालत उतनी अच्छी नहीं है, तो मैं सोची तो क्यों ना मेरे पास ये स्टैंड, ये तो नया आप लोगों को पता होगा, मैं सोची ये रैक क्यों ना दादी को दे देती हूँ, उनके पास काम में आ जाएगा। उनके पास बर्तन रखने का स्टैंड नहीं है, और एक स्टील का स्टैंड है 1200 से 1500 का, तो इससे अच्छा किसी के काम में आ जाएगा। मैं सोची क्यों ना उनको दे देती हूँ, सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा ये। ऋषु को खाना खाना हो चुका है, मम्मी खाना खाएगी, मम्मी मासी। तुम कितने खाना खाए हो? दाल भात खाई और कड़ी पत्ता खाई है। ग्रीन कलर का था चटनी, तो उसको कड़ी पत्ता खाई है, बताओ। ये है चटनी थानकुनी पत्ता बाटा। हाँ बोल। और ये है डाटा सब्जी, इसको काटवा डाटा बोलते हैं, उसकी सब्जी है ये, शायद आप लोग देख के समझ रहे होंगे। हाँ बेटा, सोमवार है तो आज प्याज लहसुन तो हम लोग सोमवार में खाते ही नहीं है, तो सब्जी बिना प्याज लहसुन के ही बना है। वैसे आपका टमाटर अदरक जीरा धनिया को अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड कर ली, फिर उससे बनाई हूँ, बहुत टेस्टी लगता है। एक होता है तामसिक भोजन, एक होता है सात्विक भोजन, तो ये सात्विक भोजन में आता है तो भी बहुत अच्छा लगता है। चलिए अब लाइट नहीं, अंधेरे में खाना पड़ेगा हॉल रूम में। दरवाज़ा खोलने से ना बाहर भी बारिश हुई है ना, इतना मक्खी आता है उड़ उड़ के, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। मेरे को घर के अंदर ना मक्खी और मच्छर बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, पता है, बहुत गुस्सा आता है मेरे को। अगर एक भी मक्खी मेरे को घर में दिखता है ना, मेरे को एकदम अजीब सा लगता है। का हमारा हेरिकेन खाना खा रहे अंधेरे में, मेरे को बोलती मैं शिमला मिर्च खाऊंगी, मिक्सचर है वो, शिमला मिर्च नहीं है। खाओ मिक्सचर, हाँ खाओ मिक्सचर खाओ। आप लोग से मैं फिर मिलूंगी एक नेक्स्ट ब्लॉग में। आप सभी बहुत अच्छे से रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। इसके बाद जब मैं ऊपर का कमरा सजाऊंगी तो आप लोगों को साथ में लेके उसको जमाने वाली हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी, और आप मुझे भी तो बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग इतने अच्छे मुझे सजेशंस दे रहे हैं ना, तो मुझे भी घर जमाने में, घर सजाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।
बाय बाय।